अनिल देशमुखने 100 कोटीचं मनी लॉन्ड्रिंग केलं आहे. नागपूर, मुंबई, उरण, जेएनपीटी जमिनी घेणं, कोलकाताचा बोगस कंपन्यांद्वारा ट्रस्ट, चॅरिटेबल ट्रस्ट, एज्युकेशन ट्रस्ट मध्ये पैसा पार्क करणं आणि त्याचा हितोमिनी मागते अनिल देशमुख येत नाही. केव्हा ना केव्हा ईडी समोर अनिल देशमुखला यावं लागणार. 100 कोटीचा बेनामी संपत्ती मनी लॉन्ड्रिंगमुळे जेलमध्ये जावं लागणार. अनिल देशमुख आज 4.25 करोड की प्रॉपर्टी अटैच हुई है. मेरी जो जानकारी है, कलकत्ता कंपनी हो या जेएनपीटी, उरण, मुंबई, नागपुर के जमीन में पैसा पार्क करना, खुद की परिवार की कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन ट्रस्ट में पैसा रखना, अनिल देशमुख ईडी के सामने आ नहीं रहे क्योंकि 100 करोड़ का सचिन वाजे के पैसे का हिसाब नहीं दे पाएंगे. आज नहीं तो कल कभी न कभी अनिल देशमुख को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा.